गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ई तुम्हारे द्वार राज्य स्तरीय ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत कक्षा 7वीं अध्याय 13 चतुर्भुज के विषय में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग चतुर्भुज के बारे में पहले से भी जानते हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने, है ना? और पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा, उसको परिभाषित भी किया होगा। तो चतुर्भुज क्या है? तो आप लोग क्या यहाँ पर इन चित्रों को देख करके बता सकते हैं कि इनमें से चतुर्भुज, इस आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे? जैसा कि आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, इसमें चार भुजाएं हैं या फिर चार कोने हैं, इसलिए इसे हम चतुर्भुज कहेंगे। लेकिन इस आकृति को देख रहे हैं आप, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भुजाएं हैं, ठीक है? तो ये तो आकृति चतुर्भुज नहीं है। वैसे ही यहाँ पर 1, 2, 3, 4, यहाँ पर भी चार भुजाएं हैं, चार कोने हैं, है ना? तो इन आकृतियों में आप देख पा रहे हैं जहाँ चार भुजाएं, चार कोण इस प्रकार से बने हुए हैं, उन आकृतियों को हम क्या कह रहे हैं? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज की परिभाषा आप कैसे बताएंगे? यदि आपको चतुर्भुज की परिभाषा बतानी है तो कैसे बताएंगे? अच्छा, क्या आप ये बता सकते हो यहाँ भी चार भुजा है, क्या ये भी चतुर्भुज की श्रेणी में आता है? बिल्कुल नहीं, ये चतुर्भुज नहीं। यहाँ पे भले ही चार भुजाएं हैं लेकिन ये चतुर्भुज नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि हम चतुर्भुज इसे कहेंगे चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहेंगे? चतुर्भुज, ठीक है? तो ये है चतुर्भुज। तो ये भी नहीं है, ये भी चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ये आकृति बंद नहीं है। चार भुजाओं से घिरी हुई ये बंद आकृति ही क्या कहलाएगी? चतुर्भुज कहलाएगी, ठीक है? अब चतुर्भुज जैसे कि पेड़ के अंग होते हैं, है ना? और साथ जैसे कि हम शरीर के अंग के बारे में भी हम पढ़ते हैं, वैसे ही चतुर्भुज के भी अंग हैं, है ना? इनमें कुछ चीजें हैं जो हमें जानना जरूरी है। तो वे चीजें क्या क्या हैं, आइए देखते हैं इसे। एक चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं? एक चतुर्भुज में शीर्ष कितने होते हैं? एक चतुर्भुज में कोण कितने होते हैं? जो सही तरीके से हमें जानना आवश्यक है ना? एक चतुर्भुज में भुजाएं कितनी हैं? शीर्ष कितने हैं? कोण कितने हैं? तो एक चतुर्भुज को बनाने के लिए भुजा, शीर्ष और ये कोण, ये तीन मुख्य रूप से जो इसके अंग हैं ये हमें जानना आवश्यक है। जैसे कि आपके पास ये समझ लीजिए एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी। तो कितनी भुजाएं हैं देखिए जरा, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष, है ना? या फिर आप ये कह सकते हैं कि जहां पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की ये जो दूरी है ये भुजा है। तो कितनी भुजाएं हैं इसी प्रकार से, ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी डी भुजा, ए डी भुजा। तो इस प्रकार से इसमें कितनी भुजाएं हैं? चार भुजाएं, ठीक है ना? एक चतुर्भुज में भुजाएं, भुजाओं की संख्या कितनी है? चार है। वैसे ही शीर्ष, शीर्ष देखिए, अब शीर्ष किसे कहेंगे? ये जहां पर दो भुजाएं आकर के मिल रही हैं, ये इस प्रकार से दो भुजाएं आकर के मिल रही हैं, तो ये ए बिंदु हो गया। वैसे ही दो भुजाएं आकर के मिल रही है, देखिए यहाँ पर बिंदु भी हो गया। उसी प्रकार से दो भुजाएं आकर के मिल रही है, देखिए बिंदु डी हो गया। और ये दो भुजाएं आकर के मिल रही है, मैं अलग अलग इन भुजाओं को बता रही हूँ, शीर्षों को बता रही हूँ, तो ये सी। तो ये सारे बिंदु इस प्रकार से मैंने अलग अलग इसे दिखाया। तो कितने शीर्ष आपको दिखाई दे रहे हैं? चार शीर्ष। और हर एक शीर्ष पर, है ना, हर एक शीर्ष पर एक कोना बन रहा है या कोण बन रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कोण। तो कितने कोण हो गए इस प्रकार से एक चतुर्भुज में? चार भुजाएं, चार शीर्ष, चार कोण।
ठीक है। इन कोणों का नाम भी आप दे सकते हैं। शीर्षों का नाम आपने दिया ए बी सी डी, बिंदु ए बिंदु बी बिंदु सी डी, जिसे हम बिंदु कहेंगे वही कहलाएगा शीर्ष, है ना। वैसे ही आप कोण का भी नाम दे सकते हैं, तो कोण का भी नाम आपको देना आता है। मैं यहाँ पर फिर से चित्र को बना देती हूँ, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये चार कोण कौन कौन से हैं? वैसे तो हम कोण सीधा कोण ए कहेंगे, कोण बी भी कह सकते हैं, कोण सी भी कह सकते हैं और कोण डी भी कह सकते हैं, लेकिन क्या आप इसका पूरा पूरा नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बताएंगे इसका पूरा नाम? ठीक है, बी ए डी, बी ए डी, बी ए बी, कोण ए बी, जो आप पिछली कक्षा में कोण का नामकरण करना आप सीख चुके हैं उसी के आधार पर, ये देखिए बी ए डी बी ए बी। वैसे ही कोण बी को आप कह सकते हैं ए बी सी सी बी ए, ठीक है। आप देख रहे हैं जो आपका मुख्य जो शीर्ष बिंदु है जहां पर दो भुजाएं आकर के मिल रही है, वो शीर्ष आपको बीच में दिखाई देगा, दो भुजाओं के बीच में ये जो दूरी, ये जो घुमाव है जहां पर ये शीर्ष है ना, जिस शीर्ष पर आकर के ये दो भुजाएं मिल रही है उसके बीच का ये जो घुमाव है वही कोण कहलाता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। वैसे ही आप सी बिंदु को भी नाम दीजिए, बी सी डी या डी सी बी, ठीक है। और वैसे ही बिंदु डी, ए कोण डी को भी नाम दीजिए, सी डी ए कोण ए डी सी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या क्या चीज जाना? भुजा, ये चतुर्भुज क्या है, भुजा शीर्ष और कोण, उसके जो अंग हैं उसके बारे में जाना है ना, ठीक है। उसी प्रकार से आप ये भी बता सकते हैं कि एक चतुर्भुज में और कौन कौन सी चीजें होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो देख करके? ये एक चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज का ये जो अंदर का भाग है वो कहलाएगा अंतः भाग, और ये देखिए यहां पर बहुत सारे बिंदु मैंने बना दिए, तो ये जो बाहर का एरिया दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा बाह्य भाग, ठीक है। तो एक चतुर्भुज का अंतः भाग भी होता है और ये बाह्य भाग भी होता है, ठीक है। तो चतुर्भुज में आपने जाना भुजा शीर्ष कोण अंतः भाग बाह्य भाग, ठीक है, ये आप लोगों ने जान लिया। अब इसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि एक चतुर्भुज में हम जब चतुर्भुज की बात करते हैं तो उसमें हम संलग्न भुजाओं और संलग्न कोण की बात भी करते हैं, संलग्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं। तो क्या होती है ये संलग्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं? ठीक है, आपने चतुर्भुज का अंतः भाग जान लिया कि जो अंदर जो बंद आकृति के अंदर का जो हिस्सा है वो अंतः भाग कहलाएगा और ये बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है ना वो बाह्य हिस्सा कहलाएगा। अब बारी आती है एक चतुर्भुज में, जब हम किसी भी चतुर्भुज या किसी भी रचना की बात करते हैं तो हम सम्मुख भुजाएं संलग्न भुजाएं है ना, ये इनके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चित्र दिखाती हूँ, क्या आप उस चित्र को देख करके कुछ बता पाएंगे? इन चित्रों को देख करके क्या आप बता पाएंगे? दोनों का ही नाम समझ लीजिए ए बी सी डी है, चलिए मैंने इसको पी क्यू आर एस नाम दे दिया। आप यहाँ पर दो चित्र देख पा रहे हैं आराम से है? इन चित्रों को देखिए और यहाँ पर बताइए क्या इसमें दिखाई दे रहा है आपको? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पीली लाइन है, दो पीली लाइन है इस चतुर्भुज में भी और इस चतुर्भुज में,
इस चतुर्भुज में जो पीली लाइन आपको दिखाई दे रही है, मतलब दो रेखाएं दिखाई दे रही है, पीली जो दो रेखाएं दिखाई दे रही है, एक ए डी और एक डी सी, ठीक है, ए डी और डी सी। इसकी खास बात क्या है कि ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर आपको मिल रही है। कौन से बिंदु पर? बिंदु डी पर ये दोनों ही रेखाएं हमें मिल रही हैं। तब हम कह सकते हैं कि जब दो रेखाएं, दो भुजाएं एक ही बिंदु पर मिलती हैं, तब हम उसे संलग्न भुजाएं कहते हैं, जैसा आप लोग ये देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही हर एक बिंदु पर दोनों भुजाएं आकर के मिलती हैं, हर एक बिंदु पर दोनों भुजाएं आकर के मिलती हैं, हर एक बिंदु पर ये दो भुजाएं आकर के मिलती हैं, तो वो दोनों भुजाएं क्या कहलाएंगी? एक दूसरे की संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। जैसे एडी की संलग्न भुजा है, उससे जुड़ी हुई, एडी से जुड़ी हुई जो भुजा है वो है डी सी या सी डी, ठीक है। मतलब ये जैसे आपका हाथ, ये जैसे कि दरवाजा होता है, दरवाजे का ये पहिया है वो जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो या पुस्तक का भी जो हिस्सा होता है ये ऐसे जुड़ा होता है ना। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो संलग्न का मतलब होता है बिल्कुल जुड़ा हुआ, संलग्न का मतलब जुड़ा हुआ। तो ये एडी और डीसी जो भुजा है वो दोनों एक ही बिंदु पर मिल रही है, इसलिए एडी की जो संलग्न भुजा है डीसी है। क्या आप ऐसे ही और भुजाओं के नाम बता सकते हैं? हम अगर बिंदु ए की बात करें, चलिए हम बिंदु यहाँ पर ए की बात करें, तो ए बी की संलग्न जो भुजा है वो एडी है, ठीक है। वैसे ही इस बिंदु बी की बात करें तो अब हम कह सकते हैं ए बी की संलग्न भुजा बी सी है, ठीक है। और इस सी की बात करें तो बी सी की संलग्न भुजा सी डी है। आप इनमें देख रहे हैं कि इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ दिखाई दे रहा है ना। तो संलग्न भुजाओं की विशेषता ये होती है कि जब हम भुजा का नामकरण करते हैं तो उसमें से एक जो बिंदु है वो क्या होता है? उभयनिष्ठ होता है, ठीक है। इन सभी में एक बिंदु उभयनिष्ठ है। लेकिन जब संभव भुजाओं की बात करते हैं, देख इस चित्र को भी देखिए, यहाँ पर एक पी क्यू और एस आर, ये दोनों एक दूसरे की क्या है? संभव भुजाएं हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की क्या है? संभव भुजाएं। और वैसे ही यहाँ पर आपको क्यू आर के सामने यहाँ पर पी एस दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक दूसरे की संभव भुजाएं। तो आप देख पा रहे हैं इन इन सभी का सिर्फ अलग अलग है, P Q S R, है ना। यहाँ पर सभी का सिर्फ अलग अलग है, इसलिए संभव भुजाएं वो भुजाएं हैं जो एक दूसरे के सामने होती है। मेरे सामने क्या है? मेरे सामने क्या है कि मैं आपके सामने हूं, तो ये हो गया संभव, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हो गया संभव भुजाएं और ये संलग्न भुजाएं। तो आप चित्र को देख करके आसानी से बता सकते हैं, संभव भुजाओं में कोई भी सिर्फ उभयनिष्ठ नहीं होता है। आप देखिए नामकरण को देखिए, और सम्मुख भुजाओं, संलग्न भुजाओं में सिर्फ एक सिर्फ उभयनिष्ठ होता है, जब हम संलग्न भुजाओं की बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जाना सम्मुख भुजाएं संलग्न भुजाएं। आगे चलते हैं, संलग्न कोण और सम्मुख कोण, ठीक है। इन्हीं चित्रों में हम देख कर बताते हैं कि संलग्न कोण क्या है और सम्मुख कोण क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पर ये संलग्न कोण, संलग्न कोण का मतलब होता है जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, ठीक है। एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, उभयनिष्ठ होती है मतलब देखिए यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, है ना। समझ लीजिए इसको ए बी सी डी नाम दीजिए। यहाँ पे कोण बन रहा है, एक कोण ये है कोण ए और एक कोण है कोण डी। कोण ए और कोण डी में आप दोनों को दिखाई दे रहा होगा, है ना, दोनों ही इन कोणों में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ए डी भुजा दोनों ही में उभयनिष्ठ दिखाई दे रही है, ठीक है, दोनों ही कोणों में दिखाई दे रही है। तो दो कोण कब संलग्न होंगे? जब दोनों में एक ही एक भुजा उभयनिष्ठ होगी, ठीक है।
और वैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पी क्यू आर एस, यहाँ पर ये जो कोण बना हुआ है उसमें आप देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि वहाँ कोण क्यू के सम्मुख है कोण एस, और वैसे ही कोण आर के सम्मुख है कोण पी। ठीक है ना, तो कोण क्यू के सम्मुख है कोण एस, तो कोण क्यू जो भुजा से जो कोण क्यू मतलब दो भुजाएं मिलकर के ये कोण क्यू को बना रही हैं, कौन कौन सी दो भुजाएं मिलकर के कोण क्यू को बना रही है, जल्दी से बताओ तो, एक पी क्यू और एक क्यू आर, ये दोनों मिलकर के इस कोण क्यू को बना रही है। वैसे ही कोण एस को कौन सी भुजाएं मिलकर के बना रही है, पी एस और एस आर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि कोई भी भुजा इसमें एक समान है, बिल्कुल नहीं है, है ना। तो इस प्रकार से सम्मुख जो कोण होता है उसमें दोनों ही भुजाएं जो मिलकर के कोण बनाती हैं वो बिल्कुल भी उभयनिष्ठ नहीं होती हैं, अलग अलग भुजाओं से बना होता है ना। तो सम्मुख कोणों में जो भी कोण बनेंगे वो बिल्कुल अलग अलग भुजाओं से मिलकर के बनी होगी, लेकिन संलग्न कोण में क्या होता है, संलग्न कोण में आप ये देख पा रहे हो कि इसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होगी, जो भी जैसे कोण ए और कोण डी मिलकर के जो कोण, ये जो कोण बन रहा है वो दो भुजाओं से मिलकर के बन रहा है, एक ए डी और ए बी, ये कोण ए जो है ए डी और ए बी से मिलकर के बन रहा है, वैसे ही ये कोण डी जो बन रहा है वो ए डी और डी सी, तो यहाँ पर आप उभयनिष्ठ देख पा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोण क्यू के सामने कोण एस है, तो उसमें कोई भी जो भुजा है वो उभयनिष्ठ नहीं है। तो ये हो गया सम्मुख कोण, सम्मुख और संलग्न कोण। ठीक है बच्चों, इसमें कोई डाउट है, और होना भी नहीं चाहिए, आप इसे पहले से पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपने सीखा अंतर्भाग, बाह्य भाग, संलग्न भुजा, सम्मुख भुजा। आपके प्रश्नावली एक में अभ्यास भी दिया गया है, क्रियाकलाप भी दिया हुआ है, बिल्कुल आप साथ साथ उसे करते भी चलिए। जैसे कि आपके पास एक चित्र ये दिया हुआ है, समझ लीजिए अ ब स द, तो क्या आप इसमें भुजा बता सकते हैं, बिल्कुल भुजा बता सकते हैं। अ ब एक भुजा है, ब स एक भुजा है, स द एक भुजा है, द अ एक भुजा है, तो ये हो गई हमारा भुजा, चार भुजाएं। वैसे ही आप शीर्ष बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, अ ब स द, ये आप बिल्कुल शीर्ष बता दिए। वैसे ही क्या आप कोण बता सकते हैं, बिल्कुल कोण बता सकते हैं, कोण अ कोण ब कोण स कोण द, इस प्रकार से इसमें चार 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 ये सभी हैं आपको दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही आप क्या इसमें सम्मुख भुजा बता सकते हैं, सम्मुख भुजा का मतलब है आमने सामने की भुजा, ठीक है ना, आमने सामने की भुजा, तो ब स के सम्मुख है अद, और सदा के सम्मुख है अब। ठीक है, वैसे ही आप संलग्न भुजाओं के बारे में बता सकते हैं, रफली जल्दी फटाफट से, संलग्न भुजा अद के संलग्न है दस, अद के संलग्न है द सर, और वैसे ही है ना द अ, देखिए अ के संलग्न है अब, और भी संलग्न बता सकते हैं, अब के संलग्न है बस और ब स के संलग्न है स द, तो इस प्रकार से हम चार बार ये संलग्न भुजाएं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार शीर्ष हैं, है ना, चार शीर्ष से जुड़े हुए जो भुजाएं हैं वो संलग्न भुजाएं हैं, और सम्मुख भुजाएं जिनके शीर्ष अलग अलग होंगे तो वो संलग्न सम्मुख भुजाएं। ठीक है, आपको आराम से दिखाई दे रहा है। वैसे ही आप कोण के बारे में ही बात कर सकते हैं, आमने सामने के कोण, तो संलग्न कोण के पहले बारे में पहले बात करते हैं, एक रिविजन हो जाएगा यहीं पे। संलग्न कोण के बारे में बताइए, संलग्न मतलब ये लगा हुआ जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है, तो ये कोण अ और ये कोण द आपस में संलग्न कोण है। वैसे ही कोण द
और कोण स, एक ही लाइन में जो बना हुआ, एक ही भुजा में जो बने हुए जो कोण है वो संलग्न होते हैं, इससे ये बात समझ में आ रही है ना। वैसे इस लाइन को आप देखिए, इस भुजा को देखिए, तो यहाँ पे स और कोण ब बन रहा है, और उसी प्रकार से कोण ब और कोण भी एक ही लाइन में बन रहे हैं, तो ये हो गए संलग्न कोण। और हम बात करेंगे अगर सम्मुख कोण की, ठीक है, सम्मुख कोण की, तो इस ब के सामने कोण द दिखाई दे रहा है, और वैसे ही इस कोण स के सामने कोण अ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक, बिल्कुल सही। अब बारी आती है बहुत महत्वपूर्ण चीज की, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? चतुर्भुज में विकर्ण भी बहुत मायने रखता है। एक चतुर्भुज का जो विकर्ण है वो क्या होता है? तो विकर्ण चतुर्भुज के सम्मुख शीर्षों को, सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहेंगे हम? विकर्ण कहेंगे। ठीक है, तो सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखाखंड को हम विकर्ण कहेंगे। तो इस प्रकार से किसी चतुर्भुज में आपको दो विकर्ण दिखाई देंगे। ठीक है, ये भी ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो आप देख पा रहे हैं सम्मुख शीर्ष है ना, सम्मुख शीर्ष ए और सी को मिलाने वाली जो है विकर्ण वो है ए सी, और वैसे ही सम्मुख शीर्ष बी और डी को मिलाने वाली विकर्ण है बी डी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और इस विकर्ण की विशेषता ये होती है, जो विकर्ण होता है वो चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है, या दो त्रिभुजों में बांटता है ना। तो दो त्रिभुज में बांट रहा है, दो त्रिभुज में है ना। अब दो त्रिभुज में जब बांट रहा है तो एक त्रिभुज और ये एक त्रिभुज, ये इसके भी कोण 180 अंश के होते हैं और इसके भी कोण 180 अंश के होते हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 अंश का होता है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, ये कोण, ये कोण, ये कोण, और ये कोण, ये कोण, ये कोण मिलकर के क्या बना रहे हैं? 180 अंश का कोण बना रहे हैं। तो इससे हम एक नतीजे पर, एक परिणाम पर पहुंचते हैं कि चतुर्भुज में जो चार कोण होते हैं, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, वो कितने अंश का होता है? 360 अंश का। क्यों? 180 अंश घन 180 अंश। तो ये हो गया चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ठीक है, कोण एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, यहाँ पे कोई भी चतुर्भुज आप ले लीजिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 अंश। जैसे कि आपके पास चतुर्भुज के कोण दिए हुए हैं, कोण एक, कोण दो, कोण तीन बराबर 90 अंश दिए हुए हैं। ठीक है, आपको चौथे कोण का मान नहीं पता है, तब आप कैसे करेंगे? इन तीनों कोणों को आप जोड़ दीजिए, 90 अंश घन, 90 अंश घन, 90 अंश। ठीक है, तो कितना हो गया? 9 कितना हो गया भाई, बताइए। ये अब इसे 360 अंश में आप घटा दीजिए। ठीक है, तो चतुर्भुज के चौथे कोण का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यदि हमारे पास चतुर्भुज में, जैसे कि हमें हमें अगर तीन कोण का मान दिया हुआ है और हमें चौथे कोण का मान अगर नहीं पता है, तब हम आसानी से इस सूत्र की मदद से कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, उसकी मदद से हम आसानी से किसी चतुर्भुज के जो अज्ञात कोण है उसका मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है,
अगर किसी भी एक कोण का मान हमें नहीं दिया गया है तो हम आसानी से इस सूत्र के मदद से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब बारी आती है चतुर्भुज के प्रकार की, ठीक है, जो कि आप जानते हैं चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है, आप पहले भी चतुर्भुज के कुछ प्रकारों के बारे में जानते हैं, जैसे कि वर्ग, आयत, है ना, तो उसे शामिल करते हुए हम चतुर्भुज के अन्य प्रकारों के बारे में भी जानेंगे, जैसे कि आइए जानते हैं। मैं वर्ग और आयत को बताने के पहले आपको एक चतुर्भुज के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। ये है चतुर्भुज का एक प्रकार, समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज का संकेत हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको इस समांतर चतुर्भुज में? समांतर चतुर्भुज की विशेषता है, या परिभाषा भी कह सकते हैं, ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने मतलब सम्मुख भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने या सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर एवं समांतर होती है, बराबर एवं समांतर होती है। समांतर से आप समझते हैं, यदि ये इस प्रकार से है तो यदि आप दो भुजाओं को, सम्मुख भुजाओं को आप आगे इस तरीके से बढ़ाएंगे तो वो एक दूसरे के लंबवत, जो उसकी जो दूरी होती है वो समान होती है, और किसी भी बिंदु पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। आप यहाँ पे ऐसे ये देख पा रहे हैं, ठीक है, आप इसे जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे ये बिल्कुल उसी अंतराल में वो आगे बढ़ती जाएगी, वो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये इस प्रकार से जो चतुर्भुज बनता है वो क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज, जिसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं, आमने सामने या सम्मुख, ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगर ये भुजा ये, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज में ही हम इसके अंतर्गत दो चीजों को हम पढ़ते हैं, एक है वर्ग, ठीक है, और दूसरा है ये देखिए आयत, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में ही हम दो प्रकार को हम ले सकते हैं, कैसे क्यों लेंगे, ये कौन सा है चित्र, आयत का, और ये कौन सा है, वर्ग, ठीक है। तो इस समांतर चतुर्भुज में आप देखिए क्या कह रहे हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। लेकिन दूसरी विशेषता क्या है इसकी, कि इस आयत में जो प्रत्येक कोण बनते हैं, आयत में जो चारों कोण बन रहे हैं वो 90 अंश के कोण बनते हैं, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है क्यों है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और समांतर भी हैं, ठीक है, इसलिए हम एक आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। आ रही बात बच्चों समझ में? लेकिन इस आयत की विशेषता देखिए कि ये 90 अंश का कोण बनाता है, इसके जो चारों कोण हैं, है ना, प्रत्येक कोण उसमें क्या है, वो 90 अंश का कोण बन रहा है,
ठीक है। अब बारी आती है जैसे विकर्ण की, तो हर एक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, प्रत्येक चतुर्भुज में आपको दो विकर्ण दिखाई देंगे। तो एक समांतर चतुर्भुज, यहाँ पर ये जो चित्र दिखाई दे रहा है वहां भी दो विकर्ण हैं, और इस आयत में भी आपको दो विकर्ण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस आयत के विकर्ण की विशेषता क्या है कि ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने एक ऐसे समांतर चतुर्भुज के बारे में सीखा, जाना कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, समांतर होती है, और उसकी चारों कोण 90 अंश के होते हैं, और दोनों जो विकर्ण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता है, समांतर चतुर्भुज ये जो हमने ये बनाया है इसकी एक और विशेषता है, इसके जो सम्मुख कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं सम्मुख कोण। तो क्या इस आयत में भी सम्मुख कोण आपस में बराबर हैं? बिल्कुल हैं, 90 अंश 90 अंश के हैं। ठीक है, तो इसलिए एक आयत जो है समांतर चतुर्भुज है। अब बारी आती है इस वर्ग। ठीक है, वर्ग वर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं? क्या जानते हैं कि इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि आप वर्ग के भी अगर भुजाओं को आगे इस तरीके से बढ़ाएं, नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, ठीक है, तो ये एक दूसरे को बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं करेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, चारों भुजाएं इसकी बराबर हैं, ये देखिए, और चारों भुजाओं, जो सम्मुख भुजाओं को यदि आप आगे बढ़ाएंगे, सम्मुख भुजाओं को, आमने सामने की भुजाओं को यदि आप आगे बढ़ाते हैं, तो ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। सम्मुख भुजाएं परस्पर लंबवत समान दूरी पर हैं और बिल्कुल भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। वर्ग की भी विशेषता है कि इसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं, और चूंकि चतुर्भुज है तो इसमें विकर्ण तो होगा ही, तो इसके भी विकर्ण दो होते हैं जैसे कि हर चतुर्भुज में, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही विकर्ण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये हमने आयत, वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज के बारे में जाना। अब एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज की बात कर रही हूँ। अभी हमें इन तीनों को जो हमने जाना है ना, इन तीनों को जो हम हमने जाना, आपको उसमें अंतर करते हुए बताना है कि क्या अंतर। ठीक है, मैं इन सारी चीजों को बताती हूँ, आपको उस चतुर्भुज को भी देख करके बताना है कि क्या अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देखिए मैं फिर से नाम लिख देती हूं, ये है वर्ग, ये है आयत, ये है समांतर चतुर्भुज, यहां पर एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज की का चित्र यहां पर दिया हुआ है जिसे हम कहेंगे, जिसका नाम है समचतुर्भुज। अब ये समचतुर्भुज है क्या? ये समचतुर्भुज में भी आप देख पा रहे हैं कि आमने सामने की ये जो भुजा आपको दिखाई दे रही है ना, आमने सामने की जो भुजा, आमने सामने हमने अभी सीखा है सम्मुख भुजाएं, तो समचतुर्भुज के बारे में भी जब हम बात करेंगे तो समचतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर
वह समांतर है। और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है इसमें? समचतुर्भुज की एक खास बात है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, वो तो ठीक है, परस्पर समांतर है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसकी चारों भुजाएं, तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर में डालते हैं और इसकी चारों भुजाएं बराबर। तो समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होंगी और सम्मुख भुजाएं आपस में समांतर। सम्मुख भुजाएं का मतलब है दो भुजाओं का ये जो जोड़ा है, सम्मुख भुजाओं का ये जो जोड़ा है वो आपस में समांतर, और चारों चारों भुजाएं क्या होंगी? आपस में बराबर। ठीक है, नहीं आया समझ में, फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ। समचतुर्भुज एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर, ठीक है, चारों भुजाएं आपस में बराबर और सम्मुख भुजाओं का जो जोड़ा है वो आपस में समांतर होती है। समांतर से बच्चों बिल्कुल ध्यान रखिएगा, दो रेखाएं तब समांतर होती हैं जब वो एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं और उनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो समान होती है, ठीक है। तो ये जो भुजाएं हैं ये सम्मुख एक दूसरे के सामने हैं और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें, तो समांतर से बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब समचतुर्भुज की जब हम बात कर रहे हैं तो समचतुर्भुज में हमें एक चीज दिखाई दी है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग में भी हमको एक चीज दिखाई दे रहा है कि वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो हम वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज कह सकते हैं। अब आप मैडम बोल रही है कि अरे ये तो समांतर चतुर्भुज भी है, अब मैडम ने इसे समचतुर्भुज भी कह दिया, तो क्यों कह दिया? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के हिसाब से आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है, बिल्कुल है, और समचतुर्भुज के हिसाब से भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, लेकिन वो चारों भुजाएं क्या हो रही है? बराबर हो रही है, तो इसलिए हम वर्ग को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं और समचतुर्भुज भी कह सकते हैं जिसके चारों कोण 90 अंश के होंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर आपने अभी चार कोणों के बारे में जाना। अभी मैं फिर से एक बार बताऊंगी, उसके पहले हम एक विशेष प्रकार के चतुर्भुज को यहाँ पर और जान लेते हैं। हमारे पास एक और विशेष प्रकार का चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज। यहाँ पर आप देख रहे हैं समलंब चतुर्भुज। अब ये समलंब चतुर्भुज क्या है भाई, है ना? तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा, समझ लीजिए जैसे कि मैं पी क्यू आर एस इसको नाम दे देती हूँ, और इसमें आप देख रहे हैं कि अगर मैं इस ये पी एस को आगे बढ़ाऊंगी, इसको ऐसे आगे बढ़ाऊंगी तो चलो ठीक है, और इसको अगर मैं आगे ऐसे लेके जाती हूँ, है ना, इस ऊपर की ओर भी अगर मैं इसे आगे लेके जाती हूँ तो ये किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, ठीक है। तो एक जो सम्मुख भुजाओं का जोड़ा है ये तो प्रतिच्छेद कर रहा है, लेकिन दूसरा एक और सम्मुख भुजाओं का जोड़ा यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है पी क्यू और आर एस, ठीक है। चलिए इसे भी आगे बढ़ा लेते हैं, इसे भी आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाने पर ये क्या हो रही है, ये जो भुजाएं हैं एक दूसरे को बिल्कुल भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, बिल्कुल समांतर ये अंतराल में ये क्या हो रही है, आगे बढ़ती ही चली जा रही है। तो समलंब चतुर्भुज क्या है? समलंब चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होता है। ठीक है, जैसे कि P Q R S में
समांतर है किसके, एस आर के, ठीक है, ये पी क्यू समांतर है एस आर भुजा के, लेकिन यहाँ पर पी एस और क्यू आर ये एक दूसरे के समांतर नहीं है, ठीक है। तो समलंब चतुर्भुज की खास बात यही है कि इसमें केवल सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही जोड़ा इसमें क्या होता है, समांतर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का समलंब चतुर्भुज, है ना। इसकी एक खास बात और है कि शीर्ष से जो समांतर जो भुजाएं हैं, है ना, ये समांतर जो भुजाएं हैं उसके शीर्ष से यदि लंब डाला जाए, दोनों ही शीर्ष से नीचे की भुजा पर, या इस प्रकार से हम जब लंब डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर यदि हम लंब डालते हैं तो ये जो लंबवत जो दूरी है ये दोनों ही क्या होगी, समान होगी, है ना। तो इस समान समलंब चतुर्भुज की विशेषता ये है कि इसकी दो भुजाएं, है ना, सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा, सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर होगा, और शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर यदि हम लंब डालें, ठीक है, तो ये जो लंबवत दूरी है ये क्या होगी, आपस में समान होगी। मतलब P से हमने लंब डाला, चलिए इसे मैंने N नाम दे दिया, और Q से मैंने लंब डाला, इसे N नाम दे दिया, तो ये पी एन बराबर होगा क्यू एन के, ठीक है, अरे बात समझ में। तो इस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर पांच चतुर्भुज के बारे में जाना, है ना। मैं इसे फिर से रिवाइज कर देती हूँ कि ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर भी होंगी और समांतर भी होंगी, ठीक है, और साथ ही साथ सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, ठीक है, ये हो गया क्लियर। वैसे ही आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, और इसमें चारों जो कोण बनेंगे वो 90 अंश के होंगे। यही विशेष बात है कि आयत और ये समांतर चतुर्भुज में जो अंतर आपको दिखाई देगा वो यही अंतर दिखाई देगा कि ये आयत जो है इसके चारों जो कोण है वो 90 अंश के होंगे। वैसे ही हमने एक और चतुर्भुज के बारे में जाना, वर्ग के बारे में जाना, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी और चारों कोण इसके बराबर होंगे 90 अंश, ठीक है। उसी प्रकार से ये है समचतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज में क्या है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों ये जो सम्मुख भुजाएं हैं, है ना, भुजाओं का ये जो जोड़ा है वो भी आपस में क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में हम अंतर कैसे करेंगे कि प्रत्येक कि इसमें हम वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं कि हाँ वर्ग एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज है, लेकिन हर समचतुर्भुज को हम वर्ग नहीं कहेंगे, क्योंकि हर समचतुर्भुज जो है वो 90 अंश का कोण, 90-90 अंश का कोण नहीं बनाता है, क्योंकि वर्ग की विशेषता है कि उसके चारों कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन हर समचतुर्भुज में 90 अंश का कोण हो ये जरूरी नहीं, इसलिए हम प्रत्येक समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कहेंगे, ठीक है, तो यही इसमें अंतर है। और आखिरी जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज की खास बात ये है कि इसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक ही जोड़ा जो है समांतर होता है, है ना, और शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर जो हम लंब डालते हैं वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने चतुर्भुज की मुख्य मुख्य बातों को जाना कि चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज के अंग क्या है, चतुर्भुज में कौन कौन सी मुख्य बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है ना, और कौन सी बातें जो है हमें इन चतुर्भुज में अंतर को बताती है, ठीक है। तो ये है समांतर चतुर्भुज, ये है आयत, ये है वर्ग, ये है समचतुर्भुज और ये है समलंब चतुर्भुज। तो आप आसानी से इन चित्रों को देख करके बच्चों अपना
जो होमवर्क है इसे कंप्लीट कीजिएगा। आपके प्रश्नावली 13.1 और प्रश्नावली 13.2 में बिल्कुल सरल सरल से प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है? तो आप उन्हें बनाइएगा और इस प्रकार से आज की कक्षा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।